कोरोना के बढ़ते केस और तीसरी लहर के बीच इलेक्शन की चर्चा, क्या इलेक्शन ला सकती है ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस का विस्फोट? चुनाव और ओमिक्रॉन कोरोना वायरस पर झारखंड एक्सप्रेस न्यूज की खास पेशकश। चुनाव ला सकता है तीसरी लहर। बंगाल चुनाव के बाद 900% फैला था कोरोना, 5 राज्यों में चुनाव हुए तो ओमिक्रॉन कितना कहर मचाएगा? हम यहां आपको मार्च अप्रैल 2021 में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना की तस्वीर पेश कर रहे हैं। इससे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव में कोरोना कितना कहर मचाएगा, साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट और दुनिया भर में इससे पैदा हो रही भयानक हालात के बारे में जानेंगे। 5 राज्यों के चुनाव और ओमिक्रॉन की रफ्तार 2 महीने बाद मार्च में उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। चुनाव उपायुक्त सुशील चंद्रा ने बीते महीने यूपी समेत 5 राज्यों में समय पर चुनाव कराने का संकेत दिए हैं। इससे पहले 2 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया था। 22 दिन बाद 24 दिसंबर को देश भर में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़कर 450 हो गए हैं। यही नहीं, ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद भारत में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी हुई है। भारत में 24 दिसंबर तक कोरोना संक्रमण के कुल मामले 3.42 करोड़ सामने आ चुके हैं। अब भी देश में कोरोना के 1.52 लाख मामले सक्रिय हैं। चुनाव से पहले फरवरी में पीक पर हो सकती है तीसरी लहर। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल का कहना है कि डेल्टा की तुलना में वेरिएंट 2 गुनी रफ्तार से बढ़ता है। साथ ही प्रोफेसर मनिंद्र ने कहा कि तीसरी लहर का पीक जनवरी के अंतिम या फरवरी की शुरुआत सप्ताह में ही आ सकता है। उन्होंने कहा कि पीक पर कोविड केस 1.5 लाख तक जा सकते हैं। ऐसे में मार्च या अप्रैल में चुनाव होते हैं तो साफ है कि देश में कोरोना की सुनामी आ सकती है। बंगाल में चुनाव के बाद 900% बढ़े थे कोरोना के मामले। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए। यह अब तक का सबसे अधिक लंबे समय तक चलने वाला असेंबली इलेक्शन था। विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण तक बंगाल में कोरोना के कुल मामले में 900% की बढ़ोतरी हुई। 2 अप्रैल 2021 को बंगाल में कोरोना के 1723 नए मामले सामने आए थे और एक भी मौत नहीं हुई। चुनाव के बाद 2 मई 2021 को नए मामले की संख्या बढ़कर 17,515 हो गई और एक दिन में 100 लोगों की मौत हुई। सभी चुनावी राज्यों पर नजर डाले तो असम, बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 15 अप्रैल को कुल कोरोना केस 26,594 थे। महीने भर बाद 15 मई को 92,794 हो गए। इस तरह इतने दिनों में मौतों की संख्या 112 से बढ़कर 626 हो गई। यही नहीं, 15 मई को देश भर के कुल नए मामले का 29% सिर्फ इन 5 राज्यों में सामने आए थे। यूपी पंचायत चुनाव में कोरोना से 700 टीचरों की हुई थी मौत। उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2020 में पंचायत चुनाव हुए थे। महज 1 महीने में कुल 4 चरणों में चुनाव कराए गए थे। इस दौरान 4 अप्रैल से 4 मई के बीच कोरोना के करीब 8 लाख नए केस यूपी में सामने आए थे। यही नहीं, शिक्षकों की यूनियन ने रिपोर्ट जारी कर बताया कि करीब 700 शिक्षकों की मौत कोरोना से हुई। यूनियन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये सभी टीचर्स चुनाव ड्यूटी पर गए थे। चुनाव रिजल्ट आने के बाद 99 ऐसे प्रधान उम्मीदवार की लिस्ट जारी की गई जिनकी मौत इस 1 महीने में हुई। ऐसे में पंचायत चुनाव के बाद की भयानक स्थिति राज्य में ना बने, इसके लिए ओमिक्रॉन को रोकना बेहद जरूरी है। सरकार और इलेक्शन कमीशन के एक गलत फैसले से जनता की जान पर आफत बन सकती है।